भारत के आध्यात्म गुरु स्वामी विवेकानंद की जयंती को युवा दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रभात फेरी निकाली गई। स्वामी विवेकानंद का जीवन हर किसी के लिए आदर्श है। उनके दिए भाषण और अनमोल विचार युवाओं के लिए सफलता के मूल मंत्र की तरह है। ईश्वर और ज्ञान की प्राप्ति के लिए सांसारिक मोह माया त्याग कर स्वामी विवेकानंद ईश्वर और ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग पर चल दिए। ये शहीद अल्बर्ट एक्का चौक की तस्वीर, जहां पर युवा दिवस पर प्रभात फेरी निकाली गई। राष्ट्रीय युवा दिवस, इस मौके पर प्रभात फेरी निकाली गई। चलिए, हमारे साथ सहयोगी दीपक जुड़ रहे हैं। दीपक, युवा दिवस है और इस मौके पर काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है, क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल वहां नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल आरती, आज स्वामी विवेकानंद जी का जयंती है और इस दिन युवा वर्ग के लिए यह अहम हो जाता है, खास हो जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर इस दिन को लोग मनाते हैं और जगह जगह पर इसको लेकर कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित की गई है। झारखंड सरकार के स्तर से कार्यक्रम की गई है, कई जो छोटे छोटे संगठन है या स्कूल है, ये तमाम जगहों पर कार्यक्रम हो रही है और हम इस वक्त मौजूद है रांची के बड़ा तालाब स्थित स्वामी विवेकानंद सरोवर में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आदमकद प्रतिमा है स्वामी विवेकानंद जी का, उसे खूबसूरत तौर पर इस क्षेत्र को सजाया गया है और यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुँचेंगे, जो स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो तरह तरह के जो है वो कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री का आगमन जब होगा उससे पहले यहाँ तमाम तरह की जो तैयारी है वो की जा रही है। झारखंड सरकार के द्वारा जो युवा कला संस्कृति एवं युवा खेलकूद विभाग के द्वारा भी कार्यक्रम आयोजित की गई है, अल्बर्ट एक्का चौक पर युवाओं का जुटान हुआ है और वहाँ से पदयात्रा करते हुए लोग यहाँ पे पहुँचेंगे और यहाँ पर उन्हें
माल्यार्पण कर सदा सुमन अर्पित की जाएगी। जो युवाओं के लिए, चूंकि स्वामी विवेकानंद आइकॉन के रूप में रहा है और लोग उन्हें एक उनसे प्रेरणा भी लोग लेते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का जो उद्देश्य था, जो लक्ष्य था, जो विचार उनके द्वारा दिए गए हैं, उन्हें लोग आत्मसात भी कर रहे हैं। चूंकि जिस तरह से उन्होंने संदेश दिया है युवाओं को कि कभी भी निराश मत हो, लक्ष्य की प्राप्ति जब तक नहीं हो जाती है तब तक प्रयास करते रहना चाहिए, कभी थकना नहीं, हारना नहीं चाहिए। खास तौर पे खेल को भी काफ़ी बढ़ावा स्वामी विवेकानंद ने दिया है, क्योंकि खेल एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें सामूहिकता की भाव होती है। तो इस तरह से उनका जो विचार था, उस विचार को आगे ले जाने के लिए तमाम तरह के जो प्रयास है वो की जा रही है। आपको पता होगा कि रांची के मोराबादी में रामकृष्ण मिशन आश्रम भी जो बना है स्वामी विवेकानंद को विचार को जन जन तक पहुँचाने के लिए बना है। जिस तरह से स्वामी विवेकानंद जी का जो जीवन शैली रहा है और जो विचार रहा है, खासतौर पर कि युवाओं को हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, आगे आगे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर बढ़ते रहना चाहिए, खुद को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, ये विचार लोगों के जहन में आज के दिन खास तौर पर उतरता हुआ दिखाई देता है। लोग काफ़ी उत्साहित हैं, खास तौर पर युवा वर्ग। जगह जगह पर तरह तरह के कार्यक्रम हो रहा है, प्रभात फेरी निकाली जा रही है, दौड़ का भी आयोजन हो रहा है, तो तरह तरह के जो कार्यक्रम है वो की जा रही है। और इस जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद है, यहाँ पर कह सकते हैं कि झारखंड में एकमात्र ये सरोवर है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी का आदमकद प्रतिमा है। 33 फीट का ये आदमकद प्रतिमा है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चूँकि आप जानते होंगे कि बड़ा तालाब को किस तौर पर लोग जानते थे, लेकिन मौजूदा समय में इस जब से इस तालाब में स्वामी विवेकानंद जी का प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है, तब से इसका जो देखने का नज़रिया है, इसको एक सरोवर के रूप में लोग देखते हैं। तो कह सकते हैं कि जो स्वामी विवेकानंद जी का जो जीवन शैली रहा है, उनका जो विचार रहा है, उसको लोग आत्मसात कर रहे हैं, उन्हें उसके विचारों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ने का प्रेरणा ले रहे हैं। तो तमाम तरह के जो है वो विचारों को लोग आगे बढ़ाते हुए आगे चल रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर जैसे ही मुख्यमंत्री पहुँचेंगे, जो अल्बर्ट टेका चौक पर जो युवा वहाँ पर प्रभात फेरी निकालने की लिए जो तैयार है वो यहाँ पर पहुँचेंगे, और यहाँ पर जो भीड़ देखने को मिलेगी वो अन्य दिनों में नहीं देखने को मिलता, वो भीड़ आज देखने को मिलेगी। जी चलिए, तो अब इंतजार मुख्यमंत्री जब पहुँचेंगे वहाँ पर माल्यार्पण के लिए, उसके बाद की भी तस्वीरें हम दिखाएंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका दीपक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।